हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्त, आपका लक्ष्मण टेक चैनल में हार्दिक स्वागतम है। तो दोस्त, आज का हमारा वीडियो है कि फ़ोन पे आईडी कैसे बनाएं। तो दोस्त, इस वीडियो में हम बताएंगे कि फ़ोन पे आईडी कैसे बनाया जाता है। तो आप वीडियो को लास्ट तक बने रहे, आप पूरा लाइव प्रूफ यहाँ पर देखेंगे कि फ़ोन पे आईडी कैसे बनाया जाता है। तो चलिए मैं अपने दूसरे फ़ोन को ओपन करता हूँ, उसमें आपको साइड में दिख जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं फोन पे हमारा ओपन हो गया। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल वेरीफाई करना है, तो चलिए हम मोबाइल वेरीफाई करते हैं। चलिए मोबाइल नंबर डालिए, उसके बाद ओटीपी एक आपके मोबाइल नंबर पे सेंड किया जाएगा, यहाँ पे वेरीफाई कर लेना है। चलिए हमारा ऑटोमेटिक वेरीफाई हो गया। उसके बाद लॉग इन योर फोन पे हो रहा है, उसके बाद यहाँ पे अलाउ मांग रहे हैं परमिशन, इस पर अलाउ कर देना है, फिर से अलाउ कर देना है। उसके बाद अलाउ ऑल द टाइम पे क्लिक करना है, उसके बाद आपका अकाउंट बन गया। उसके बाद यहाँ पे आपका नाम ऐड करना है। चलिए हम अपना नाम ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एडिटिंग पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी भी यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो चलिए हम पहले यूजर नेम डाल देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे अपडेट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे नाम सेव हो गया। यहाँ पे फ़ोटो भी आप लगा सकते हैं। चलिए यहाँ पे अभी फ़ोटो हम लगा के आपको दिखाएंगे। तो यहाँ से एल्बम में जाना है, फिर से अलाउ करना है। यहाँ से आपका कोई भी फ़ोटो है जो लगा लेना। चलिए हम एक फ़ोटो लगाते हैं। यहाँ पर इसको साइज बड़ा या छोटा कर लेना है, चलिए इतना रख लेते हैं। उसके बाद फिर से राइट बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे साइड में आपको दिख जाएगा अपलोड, अपलोड पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसके बाद आप आईडी बन गया। यहाँ पे सेट यूपी पासवर्ड, यहाँ पासवर्ड भी आपका बन जाएगा, पासवर्ड सेव कर लेना है। चलिए एक ओटीपी आएगा, उसके बाद हम पासवर्ड एक बना लेते हैं अपना। ये आपको दिखा नहीं सकते हैं, गाइडलाइन के खिलाफ है। तो चलिए यहाँ पे पासपोर्ट पे यहाँ बन गया। इसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको प्लीज़ कंप्लीट योर केवाईसी, केवाईसी यहाँ मांग रहे हैं। केवाईसी में आपका जैसे कि पैन कार्ड होना ज़रूरी है, नहीं तो वोटर आईडी का आईडी इसमें डालना पड़ेगा। तो चलिए अभी हम इसको केवाईसी बाद में करेंगे, इसको कट कर देते हैं यहाँ से। यहाँ से आप एड, यहाँ से ऐड बैंक कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे अब तो हमारा तो अकाउंट ओपन हो गया। तो चलिए आई होप कि अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलेंगे। तो चलिए दोस्त, आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। सो थैंक यू, सो वेलकम, जय हिंद, जय भारत।